लड़कियां कुछ भी कर सकती है। पूर्णा एक अशी आदिवासी मुलगी जिना एव्हरेस्ट शिखराला गवसणी घातली तेही वयाच्या अवघ्या 13व्या वर्षी। याच पूर्णाच्या जिद्दीची कहाणी सांगणारा एक नवा सिनेमा येतोय, त्याच निमित्तानं आमचे प्रतिनिधी प्रशांत अनासपुरे यांनी बातचीत केली आहे अभिनेता राहुल बोस आणि बालकलाकार आदिती इनामदारशी। आणि हो, सोबतीला जिच्यावर हा सिनेमा करण्यात आलाय ती पूर्णा देखील आहे। अभी अभी पता चला है कि हमारे तड़वाई स्कूल की एक लड़की भाग गई है सर। देखो पूर्णा, तुमको वापस जाना है तो जा सकती, लेकिन याद रखना लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है। लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है, ये विश्वास अब हम सबको दे रहे हैं। राहुल है मेरे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी 24 तास में। कहाँ से ये आपको खुद को कॉन्फिडेंस आया कि छोटी बच्ची है, इनके उन्हें रिकॉर्ड कर दिया है? लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसी बच्चियाँ होती है, बच्चे होते हैं जो रिकॉर्ड करते लेकिन आगे आते नहीं। वो कुछ नाम है जो गिने चुने कि जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसे बहुत सी सारी लड़कियाँ। कहाँ मिली आपको पूर्णा? पूर्णा की कहानी मुझे पहले स्क्रिप्ट में मिला था। स्क्रिप्ट के लेखक ने आए थे मुझे डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार के किरदार को निभाने के लिए। मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा। मुझे स्क्रिप्ट अच्छा तो था ही, लेकिन कहानी जो हकीकत में हुआ था ये मुझे, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि कैसे मुझे नहीं पता इसके बारे में। और फिर मैंने पूछा कि मैं क्या कि आई विल प्रोड्यूस द फिल्म। कहानी इतनी विचित्र है इसलिए नहीं कि 13 साल की लड़की ने एवरेस्ट क्लाइम किया, वो तो विचित्र बात है ही, क्योंकि 13 साल की उम्र में कोई वहाँ पे मर नहीं गया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे भी और बड़ी बात यह है कि वो लड़की थी, कि वो आदिवासी थी, कि वो गरीब थी और उसे इतना फैंसी एजुकेशन नहीं हुआ। तो इन चारों जो फैक्टर्स के साथ जो पूर्णा निकली अपने घर से, अपने गांव से, अपने डिस्ट्रिक्ट से और फिर कहीं और पे जहाँ पे फिजिकली इमोशनली जो चैलेंजेस हैं टू क्लाइंब इतने ज़्यादा हैं कि इस फिल्म से मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस देश में जब बच्चों में काबिलियत है और अगर एक अफसर जैसे डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार जो ईमानदार हैं, जो परिश्रमी मेहनती हैं और जिनमें एक जुनून है, अगर ये दोनों साथ में मिले तो सिस्टम को बदल के दे इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वो तूफान क्या चट्टाने जिसको जैसे कि कहा है कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है, ऑडिशन का दिन कैसा था और तुम उसमें उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो ऑडिशन पे मैं बहुत डर गई थी, पता नहीं, मतलब एक्साइट हो गई थी राहुल सर को देख के, सबको देख के। तो पहले राहुल सर ने मुझे मेरे नाना जी के बारे में याद दिलाया तो मैं रोने लगी। उसके बाद उन्होंने सडनली टॉपिक चेंज करके उन्होंने कहा, मतलब क्या कहते हैं, ऑडिशन स्टार्ट कर दिया। तो मैं सब कुछ भूल के वापस ऑडिशन देने लगी। तो क्या थी ऑडिशन? ऑडिशन में मतलब एक सीन था, वो कर रहे थे हम लोग, उसमें फूड मैट्रन का सीन था। तो उस समय मुझे ऐसे गुस्से से देखना था, तो पता नहीं क्या हो गया, सडनली सब कुछ चेंज होके मैंने गुस्से से देखना स्टार्ट कर दिया। तो वही आज मैं, उसके वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ आज। और एवरेस्ट की फिल्म है, बहुत सारी बच्चियाँ आपको अभी देखेंगी स्क्रीन पे, क्या कहना चाहेंगी, कैसा एक्सपीरियंस आपने जो लिया है? बहुत सा अलग सा था, बहुत चैलेंजिंग रोल था, मिक्स एक्सपीरियंस, बहुत जगह अपने को बहुत सारा आनंद मिलता है, कभी कभी ऐसा लगता है अरे क्यों आए यहाँ पे इतना सारा, ये अभी इन्होंने तो बहुत आपको ये किया रहेगा। नहीं, मतलब मैं सच में कहती हूँ मुझे क्लाइंबिंग ठीक से नहीं आता है, आई एम नॉट गुड एट क्लाइंबिंग। तो मुझे बस एक्ट करना था, जो मुझे लगता था कि क्लाइंबिंग से बहुत ईजी है। और आई बात लड़कियों की, तो वो लोग
देखेंगे फिल्म तो बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। और मेरे फ्रेंड्स ने ट्रेलर देखा और वो लोग बोलने लगे कि ये मूवी तो देखना ही है, कंपलसरी देखना है, सब मिलके जाएंगे थिएटर में फिर देखेंगे। पूर्णा आपके साथ कुछ दिन से है, आपको क्या सीखने को मिल रहा है, क्या है पूर्णा आपकी वो अभी फ्रेंड तो होगी अभी? हम लोग बहनों से कम नहीं है, वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो हम लोग मतलब ऐसी बातें करते रहते, वी कंपेयर अबाउट आवर स्कूल्स, हमारा स्कूल, फिर मेरी लाइफ, इसकी लाइफ, कैसे डिफरेंस, हम लोग डिफरेंशिएट करते रहते, फिर ऐसी फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं बस। है हमारे साथ कि जिन्होंने ये जो एवरेस्ट का जो विश्व विक्रम है बोलेंगे, एक लड़की क्या कर सकती है, इसका एक अच्छा सा उदाहरण है। पूर्णा कब मन में आया हम ये कर सकते हैं? तो मैं सोशल वेलफेयर स्कूल में पढ़ रही हूँ सर, सिक्स्थ क्लास से, अभी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया है सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट स्कूल में। नाइन्थ स्टैंडर्ड जब प्रवीण कुमार सर ये माउंट एवरेस्ट का अपॉर्चुनिटी दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स कुछ भी करते हैं, गर्ल्स भी कुछ भी करेगी, वो हमने प्रूव करना चाहती है, तो उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी हमको मिला। तो स्कूल में हमारा टीचर्स मुझे सेलेक्ट करके ट्रेनिंग को भेजा था। तो एक्चुअली आई एम स्पोर्ट्स गर्ल, स्पोर्ट्स खेलती हूँ, तो ये डिफरेंट लगा मुझे। पीटी मैडम आके पूछा था मुझे माउंट एवरेस्ट माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग को जाती है क्या, माउंटेनियरिंग क्या है मालूम है क्या आपको, ऐसे पूछा था। तो मैंने बोला माउंटेनियरिंग नहीं मालूम है, बट डिफ़िकल्ट डिफरेंट है, फर्स्ट टाइम सुना है मैडम, तो मैं जाती हूँ, आई एम इंटरेस्टेड दैट। देन आई वेंट टू बोनागिरी, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा जर्नी। एज अ प्रोड्यूसर पहला सवाल तो प्रोड्यूसर के मन में यही आता है, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चलेगी नहीं चलेगी? आजकल मसाला फिल्मों का दौर बहुत चल रहा है, जरूर दंगल जैसी फिल्म ये चली है, लेकिन रिस्क नहीं लगती कि ऐसी फिल्म हम लेके जा रहे हैं बॉक्स ऑफिस पे? ज़िंदगी में रिस्क है, आप बम्बई में सड़क पार करो उसमें ही रिस्क है। मैं ये सिर्फ ये समझता हूँ कि अगर 22 साल फिल्मों में काम करके 11 साल अपना फाउंडेशन मणिपुर के बच्चे, जम्मू कश्मीर के बच्चे और अंडमान के बच्चे का परवरिश करके और 45 साल बम्बई में रहकर, अगर मैं एक चीज़ थोड़ा सा जानता हूँ वो है भारतवासी का दिल, और मैं जानता हूँ कि ये फिल्म उनके दिल के सेंटर में जाके लगेगा, ये मैं जानता हूँ। बाकी बॉक्स ऑफिस देखा जाएगा, दिल तो पहले, दिल लुक आफ्टर द हार्ट फर्स्ट, देन द बॉक्स ऑफिस विल कम। आखिरी सवाल, क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लड़की लड़का ऐसा भेद और भी करते हैं, फिल्म में क्या एक्चुअली मैसेज रहेगा कि जो लेना चाहिए ऑडियंस ने? मैसेज बहुत साफ है फिल्म की, मैसेज कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, लड़के भी कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए वातावरण सही होना चाहिए, उनके लिए जो भी सिस्टम कर सकते हैं वो सिस्टम करें। यदि साफ चाहे मुंडो, साफ स्कूल जाएंगे तो झाड़ू कौन लगाएगा? अभी अभी पता चला है कि हमारे तड़वाई स्कूल की एक लड़की भाग गई है सर। देखो पूर्णा, तुमको वापस जाना है तो जा सकती, लेकिन याद रखना लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। धन्यवाद और आपको ऑल द बेस्ट आपके फिल्म के लिए, प्रेक्षकों को बहुत पसंद आएगी फिल्म। तरह पूर्णा फिल्म है कि जी तुम्हारा बॉक्स ऑफिस पर, लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है, क्या क्या कर सकती है इसका जो उदाहरण है ये आपको ये पूर्णा फिल्म में देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज साहब, प्रशांत अनासपुरे, जी मीडिया, मुंबई। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।